सिंगरौली में कांग्रेस नेता चंद्रदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है। नगर निगम चुनाव को देखते हुए ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रदेव सिंह राम मंदिर सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस की नीतियों से नाराज चल रहे थे। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी नीतियों से खुश होकर हर वर्ग तेजी से भाजपा से जुड़ना चाहता है। सिंगरौली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और भाजपा सिंगरौली युवा मोर्चा अध्यक्ष विनोद चौबे की मौजूदगी में कांग्रेस नेता चंद्रदेव सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व में कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी रहे चंद्रदेव सिंह कांग्रेस से राम मंदिर, किसान बिल सहित कई मुद्दों को लेकर नाराज थे, जिसके चलते कांग्रेस में फूट पड़ना शुरू हो गई है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से चंद्रदेव सिंह के साथ हेमा सिंह, मृत्युंजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात हो या माननीय शिवराज जी के इस राज्य कल्याणकारी योजनाएं जो कि संचालित हैं, आज पूरे देश का वातावरण आप सबों ने देखा होगा कि इस कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लोग लग करके उस कोरोना योद्धा के रूप में लगे हुए थे। आज यह सबसे प्रेरित होकर के हमारे माननीय सीडी सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने लिया। देखिए, जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनको देख के, उनका स्वभाव देख के, उनका काम देख के सब लोग और बीजेपी में जा रहे हैं। हम भी अध्यक्ष महोदय के इसमें हम भी आगे मतलब पूरा साथियों को लेके हमें अच्छा लगा भाजपा शासन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।